जितना लोग लाइव आ रहे हैं प्लीज आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, कुछ भी हो। भाई 360 कैमरा नहीं मिला अभी। एंड मैं अब भी यही बात बोलूँगा कि वो ले जाया गया है, वो लेके जाया गया है। आपको क्लिप देखिए, आपको पहली बात लैपटॉप में क्लिप दिखाई गई है, ठीक है। एंड अगर इतनी ही चीज़ें हो रही होती तो वो रियल में दिखाई जा सकती थी। दूसरी बात, आपने सूरज वर्मा का व्लॉग देखा होगा, उन्होंने टाइमिंग वगैरह लाइक सब कुछ नोटिस वगैरह करके काफ़ी क्लियर सी कर दी थी चीज़ें कि क्या हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही थी कि आमिर माजिद को पता लग गया था कि एक्सीडेंट हो गया है, बट मैं गलत कहाँ पर था कि मुझे ये था कि लाइक जस्ट पीछे हुआ इसने, इसलिए क्लिप काट के कर दिया। बट उसको ना वो आगे जाके पता लगा, और उसने क्या बोला कि मेरे को तो टोल पे जाके पता लगा एंड टोल पे मैंने फ़ोन किया काफ़ी देर रुकने के बाद। बट आप अगर कॉल की टाइमिंग देखोगे तो उससे ये क्लियर होता है रावण बॉय का क्या सीन है। आप प्लीज़ ऐसे यूट्यूबर्स को ना आप इग्नोर करो, यही चीज़ कहूँगा मैं। एंड मैं सच बताऊँ, मैं आज भी ब्लॉग डालने वाला था, आज मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा क्या, लाइक मैं तो काफ़ी, मेरे पे तो बहुत लाइक बॉडी तो टूटी गई मेरी ऑलमोस्ट पूरी। सो खुद ही दिक्कत में चल रहा हूँ मैं इस टाइम। एंड आज का दिन पता नहीं कैसा निकला मेरा। हाँ, लैपटॉप पे छोटा दिखता है। भैया वेयर इज़ आमिर माजिद? आमिर माजिद अपना वहाँ पर है जम्मू। आमिर माजिद के, हाँ, रॉ फोटो इमेज डाल दी। देखिए, मैं उन्होंने, ठीक है, साथ में चल रहे थे। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, जो मेरे को अगस्त के पापा से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पीछे एक्सीडेंट हुआ, और मेरे को जहाँ सक मेरे को क्या, देखो आप लोगों को भी शक हुआ था, जो जिस हिसाब से उसने क्लिप पे गलत जगह जूम मार दिया था, तो उस जगह पे सबको लगा कि भैया यहाँ पर इसने घपला किया है। एंड सबको लगा, एंड मैंने ये चीज़ बोली भी है, ये चीज़ मैंने कमेंट करके भी बोली। अगर मेरे को सिर्फ ऐसा होता कि अगर आप लोग जो जिस जगह इस चीज़ को लेके जा रहे हो, तो मैं कमेंट की जगह ब्लॉग ही डाल देता। तो मैंने वो चीज़ वहाँ पर भी कमेंट करी, एंड फिर उन्होंने पूरी लाइक क्लिप डाल दी। पर वो पूरी, आप एक चीज़ देखना, वो पूरी क्लिप ना आपकी वहाँ तक की नहीं है, किसकी, टोल तक की नहीं है। मैं ये मानता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिप देखी कि उनको वहाँ पर नहीं दिखा, लाइक वो ठीक है अपनी बाइक के एग्जॉस्ट के चक्कर में नहीं दिखा, जैसे भी नहीं दिखा, क्रैश हुआ, आवाज़ नहीं आई किसी रीज़न से। बट मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि उनको अभी नहीं सुनाई दिया ना, तो उनको लाइक 1 किलोमीटर बाद उनको ये फील हुआ होगा कि पीछे का राइडर कहाँ है, क्योंकि आप कितना भी तेज़ चलाओ आप साथ वाले को देखते ही हो। एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्लिप यूपी पुलिस ने, जो DIG वगैरह की वीडियो अभी आपने देखी होगी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया 300 की स्पीड पे चला रहा था। एक तो प्लीज़ उनके उनके बयान को ना इतना वो मत करो कि नहीं, ये तो DIG ने कह दिया तो 300 की स्पीड में था। वो 300 वगैरह ठीक है, 200 की स्पीड भी थी, 210 की स्पीड भी थी, एंड 100 भी थी, 150 भी। वो हाईवे है, ठीक है, वहाँ पर आप वीडियो में एक देख सकते हो, उसी क्लिप में एक फॉर्च्यूनर भी जा रही है कुछ 190 के आसपास की है, जिसमें अगस्त्य भाई नोटिस करके कह रहे हैं कि इस देखो गाड़ी भी कितनी तेज़ चल रही है। तो एक कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पर 200 चलना, ठीक है, जिस हाईवे पर गवर्नमेंट ने ही स्पीड लिमिट 120 दे रखी है कि भैया आप 120 तक चला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब आप ऐसे तो जिन हाईवे पे, जिन सड़कों पे आप चलते हैं, वहाँ पर भी स्पीड लिमिट 60 दी होती है ना, आप आराम से 100 के आसपास चल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। 6 लेन हाईवे है, 6 लेन बहुत मैटर करता है, मतलब पूरी एक 2-3 किलोमीटर के स्ट्रेच में सिर्फ 2 या 3 गाड़ियाँ होती हैं। CCTV फुटेज का क्या रहा? कैमरा बंद था यार। गोप्रो मिल गया, मिल गया, हाँ जी मिल गया। एंड पुलिस ने फुटेज भी डाल दी, जो फुटेज चोरी कर करके लोग काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं उसमें कुछ कुछ मिलाकर। एंड जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो पूरी क्लिप की नहीं मिली है, मुझे ये बताया गया है कि एक्सीडेंट से 5 मिनट पहले लाइक 9:45 पर कैमरे की क्लिप बंद हो गई थी। तो लाइक जो मेन कैमरा था आपका, हाँ जी, कौन कौन है, यूट्यूब से कौन है, सब्सक्राइबर है गाइस, 1 सेकेंड बोलो, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो गाइस देखिए, उन्होंने बोला पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भैया एक्सीडेंट की जो, देखो उन्हें अगर पुलिस को पूरी क्लिप मिली होती ना, तो वो सिर्फ वो वाला पार्ट ना डालते, उनको उस एक्सीडेंट से पूरा का पूरा 1 घंटे से पहले तक से लेके पूरा एक्सीडेंट तक की क्लिप मिल गई है। एंड अगस्त के पापा कब आएंगे लाइव में? अगस्त के पापा अभी गए हुए हैं जहाँ पर हुआ, एंड 4K में करके रिकॉर्ड, वीडियो आज मैं डाल देता, किसी रीज़न से मैं कर नहीं पाया, किसी रीज़न क्या, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एंड ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट
हो गया काफ़ी ज़्यादा। एंड अभी सच बताऊँ तो मेरा अभी भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आने की, एंड निशान नहीं दिख रहा होगा मेरे यहाँ से भी, आज ब्लड आया है पूरा, नाक से भी पूरा खून वगैरह सब कुछ। मैं अभी लग रहा हूँ आपको देख करके काफ़ी लाइक पूरा, एंड आना मजबूरी बन गई थी क्योंकि क्योंकि मैंने लाइक दो तीन जगह बोल दिया था कि मैं लाइव आऊँगा। मैंने कल का बोला था, मैं कल नहीं आ पाया किसी रीज़न से, और आज एक्सीडेंट हो गया, आज इसलिए लेट हो गया, तो सॉरी इसके लिए। 360 नहीं मिला है मेरी अभी भी, वीडियो में वही सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया किसी को मिलता है दे दो। एंड प्लीज़ इस चीज़ को लाइक मैं अपने पर्सनल उससे बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को देख के नहीं कह रहा हूँ, मेरे को अभी भी लगता है कि 360 आमिर माजिद पर ही होगा। बहुत ऑब्वियस ही है लाइक ये चीज़ ना। कितने हैं? दो है बच्चे। बच्चे बिल्कुल इतने इतने से। किसके हैं? किसके बच्चे को मतलब कहाँ से हैं? कालिंदी से। वही तो नहीं है? ना ना वो नहीं है यार, मैं लाइव था, अब नहीं जाया जाएगा ना वापस। रुक 5 मिनट रुक दो ना, 5-10 मिनट बोलो तो पक्का आ गए। गाइस तो सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं एंड छोटे छोटे से बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो प्लीज़ सॉरी सॉरी इसके लिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था रोड पे कैमरा था क्या? नहीं, देखिए उससे 50 मीटर आगे कैमरा था एंड टोल पर कैमरा था, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ उस वहाँ पर कैमरा नहीं था। जो 50 मीटर कैमरा आगे था वो भी ऑपोजिट फेसिंग था, बट हाँ एक तरीके से दूर, मतलब कि मान लो अगर वो इस साइड फोकस दे तो आगे जाके रोड पर वो दिख जाएगा। एंड परसों सुबह हम जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाने वाले हैं एंड वहाँ पर भी जाके मैं लाइव आऊँगा एंड सब कुछ समझाने वाला हूँ क्या कैसे हुआ। एक चीज़ क्लियर हो गई जो हमें भी नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था कि हेलमेट कैसे उतरा, तो उसमें भैया पूरे आप देख सकते हो कि हेलमेट की पैडिंग ढीली हो गई थी। एंड ऐसे में एक गलती उनसे ये रही कि अगर आपकी हेलमेट की पैडिंग ढीली है तो आपको ना हाईवे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 200-300 की स्पीड में हवा जो आती है ना वो कपड़े तक फाड़ने को जाती है, हेलमेट तो क्या चीज़ है। सो अभी मैं ना हाँ देखिए एक ये भी काफ़ी ज़्यादा उठाया गया कि गाड़ी जो आ रही थी TUV 300, नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसने टक्कर मारी। सो अभी तक जहाँ तक मेरे को सुनने में, जहाँ तक देखिए मैं बहुत बंधा हुआ हूँ पता है, मैं आपको, आप लोगों को भी पता है मैं कितना इस चीज़ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड मेरे को बहुत अभी जितना बोला गया है ना, अभी मेरे को ये बोला गया है कि अभी कोई ब्लॉग वगैरह मत डालना, क्योंकि देखो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी उस वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वही आमिर माजिद के लिए वर्ड्स, वही एक एक चीज़ आपके प्रो राइडर की फैमिली ने आज तक पर लाइक वो जो इंटरव्यू है जो भी कहते हैं उसको, उसमें शो वही चीज़ें बोली हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मत लीजिएगा कि मैंने कुछ और बोला, बट इतना मैं अभी भी आपको लिख के देता हूँ कि आमिर माजिद को टोल से पहुँचने का थोड़ा सा आगे जाते ही पता लग गया था उसने, लाइक अगर उसको भी पता थी ये बात कि उसको पूरी क्लिप दिखानी चाहिए थी कि टोल तक पहुंचने की, कि मुझे पता ही नहीं चला। उसने ना ये दिखाया कि मुझे कॉल आया, ना उसने ये दिखाया कि मैंने कॉल किया और मुझे किसी ने बोला, समझ रहे हो ना आप। अगर उसका कैमरा वहाँ से लेके आगे टोल तक ऑन था, टोल का अगर वो ये चीज़ भी दिखा रहा है पर्ची कटते हुए वगैरह सबकी, तो एटलीस्ट वो कॉल करते हुए भी दिखा सकता था इस चीज़ को। गाड़ी कैसे गया उसके, मैं देखिए अभी भी फिर वही चीज़ बोलूँगा, उसका हेलमेट निकल गया था, हेलमेट टूटा अलग से है, हेलमेट पे कोई खून का निशान नहीं है, ज़रा सा भी खून नहीं था हेलमेट पे, तो हेलमेट टूटा अलग है। जिस समय जो भी चीज़ उनके सिर पर चढ़ी, उनके सिर पर हेलमेट नहीं था। आमिर माजिद का जितना मैंने आज सुबह सुना था वो वहीं पर है आपके जम्मू जहाँ पर है UK07 छपरी, पैसे दिए गाड़ी वाले ने फिर पर। नहीं 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 देखिए आप फिर वही गलत ले रहे हो ना इस चीज़ को, कि उसने रॉ इमेज रॉ वीडियो डाल दी, तो उसको उससे जब मांगी जा रही है, एक चीज़ आप खुद देखो ना, जब हमने उससे क्लिप मांगी कि भैया तुम क्लिप भेजो, वो क्लिप नहीं भेज रहा है, वो कह रहा है मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, इतना सब उसने सीन बना दिया जानबूझ के, उसने वीडियो जानबूझ के नहीं, मतलब उसने वीडियो को ऐसे जूम कर रखा था कि उसने शक पैदा कर दिया। उसने बोला था मैं 3 किलोमीटर आ गया हूँ, वो शीशे में दिख रहा था, तो ये सब चीज़ें क्या, ये मेरा तो छोड़ो उस अगस्त के पापा तक को ये लग रहा था कि उसने कुछ करा है, ठीक है, एंड उसने करा भी है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ करा है उसने, ठीक है। वो वापस आया, वो तभी नहीं मुड़ा, उसको तभी नहीं पता लगा, ये मैं चीज़ मानता हूँ, मैंने उसकी क्लिप देख ली। उसका वो ठीक नहीं था। प्लीज़ देखो किसी को गाली मत दो, किसी भी ब्लॉगर को गाली मत दो। अगस्त्य भाई का एक्सीडेंट हुआ ठीक है, आमिर माजिद वहाँ पर आया अब नहीं आया, आया जो भी हुआ ठीक है, पर एक्सीडेंट थोड़ा एक्सीडेंट ही था। अभी बहुत कम चांसेस है कि वो हिट एंड रन हो, मान के चलो
इसको एक नेचुरल एक्सीडेंट मान के चलो 50%, क्योंकि लाइक मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि ये शायद इनका जो हैंडल है वो पूरा डिसबैलेंस हुआ जैसे आ जाता है। कितने साल के है? इधर 5,000 लोग बिठा रखे हैं मैंने, मैं अभी जा भी नहीं सकता। 360 नहीं मिला। हाँ यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ 360 का कुछ करो गाइज। अगर 360 नहीं मिला ना तो ये केस मुझे नहीं लगता ये हमेशा ना एक 300 की स्पीड का केस ही बन के रह जाएगा, क्योंकि मीडिया नहीं सुन रही है बात। आज तक वालों ने अगस्त के पापा की बात सुन ली, बट उसके अलावा कोई नहीं सुन रहा। जहीर बोल रहा था हिट एंड रन ही है। अभी मैं फिर वही बात है ना कि चीज जा यहाँ भेज दो। हाँ यहीं भेज दो गाइस। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को यहीं बुलाना पड़ रहा है अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता छोटे छोटे से बच्चे हैं अब चले जाएं यहाँ से। आपका एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ यार, मैं यहीं पर मैं गिर गया और लाइक पता नहीं निशान वगैरह नहीं आया। अगर आपको दिख भी रहा हो यहाँ से लेके छोटा सा है, पर इससे ब्लीडिंग अच्छी हुई थी, मेरे नाक से भी खून आ रहा था, ऐसा हो गया था ना, मैं मेरी कमर बिल्कुल टूटी पड़ी है इस टाइम, बहुत बुरे हाल हो गए थे। प्लानिंग करा है